जी हाँ दर्शकों नमस्कार, खबर यूपी तक में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भूरेलाल कुशवाहा। आइए नजर डालते हैं दिनभर की छोटी और बड़ी खबरों पर। इसके पहले खबर यूपी तक का निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी खबर सबसे पहले अपलोड हो और आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँच सके। आइए नजर डालते हैं दिनभर की छोटी और बड़ी खबरों पर। उरई जालौन समय पर भुगतान न होने के संबंध में आशाओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा आशाओं का शोषण हो रहा है, फिर भी अधिकारियों के जूं तक नहीं रेंगती। जब उन्होंने कहा उनसे टाइम पर काम तो करवाया जाता है, लेकिन फिर भी समय पर भुगतान क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, इसीलिए उनका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। जहां भारत सपना देख रहा है महिला सशक्तिकरण का, वहीं हम बहनों को भुखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया है। चिकित्सा अधीक्षक से उन्होंने गुहार लगाई कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर न बना सके, कम से कम उनका पेट तो भर सकते हैं। हम बहनों का भुगतान न तो समय पर होता है और न ही कभी पूरा हुआ है। इसी तरह आशाओं ने अपनी 12 मांगे रखी है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, पीजीआई का भुगतान एवं 1500 रुपए बढ़ाए गए थे जो सिर्फ एक दो बार ही मिले, आदि समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर समस्त आशा बहनें उपस्थित थीं।